हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे सही सलामत होंगे और मुस्कुरा रहे हो और सुन भी रहे हो। टुडे आई एम गोइंग टू प्रोसीड इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड इन दिस लेक्चर वी विल कवर सम न्यू क्वेश्चंस विद न्यू आइडियाज एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट, ऑल क्लियर? ऑब्वियसली यस। देखो, इन द प्रीवियस क्लासेस हमने बहुत सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हमने सॉल्यूशंस किया था, हमने सोल्व किया था, बहुत सारे बातें किया था। और आज के इस लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए थे, उसे पूरा करने का समय आ गया है। और इतना ही नहीं, जब ये शॉर्ट आंसर खत्म हो जाएंगे तो मैं आपसे बातें करूंगा, वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की। आज इस लेक्चर में सारा के सारा लॉन्ग आंसर जितना भी है वो कंप्लीट करने का प्रयास रहेगा, नहीं बल्कि हो गया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने का प्रयास करना चीजों को, ठीक है ना? अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप चैट सेक्शन में लिखिएगा कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्लियर किए, तो आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है जी, तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। आओ चलो देखते हैं। ठीक है, ये तो मैंने मेरे तरफ से हाय है आप सभी को, एक्सेप्ट किए ना? चलिए आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड नेक्स्ट लेक्चर। एंड आई मीन टू से दैट कि नेक्स्ट पेजेस, राइट? ऑल राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 60, ये क्वेश्चन नंबर 60 को समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो आपसे पूछा क्या है। पूछा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, कुछ खास नहीं है, बस क्या कीजिए आप उसको डिफाइन कर दीजिए कि वो होता क्या है, ये है क्या, कहेंगे किसे। ऑल राइट, ऑल क्लियर? ऑब्वियसली यस। द फर्स्ट वन इज द हार्वेस्टिंग, पहला जो है वो हार्वेस्टिंग क्या डिफिनेशन आपसे पूछा, तो क्या होता है हार्वेस्टिंग? द कटिंग एंड द गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से जो आप खेतों में फसल को बोते हो, उसी फसल को जब आप काट लेते हैं और काट करके जमा करते हैं, तो इसी प्रक्रिया का नाम है, बोलो जल्दी से, हार्वेस्टिंग का। ऑल राइट, ठीक है, कहा डर गया, इतना सारी तो किया हूं, क्यों घबरा जाते हो? तो ये हार्वेस्टिंग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है दैट इज द थ्रेसिंग, ये थ्रेसिंग क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द क्रॉप्स, क्रॉप्स से फूड ग्रेन्स को प्राप्त करना ही थ्रेसिंग का नाम दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है बिनोविंग, ये बिनोविंग क्या हुआ? तो देखे हो कि जब धान कुटाता है, ठीक है जी, तो भूसा भी रहता है और अनाज भी रहता है उसके साथ, तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ, चाफ का हिंदी मीनिंग हुआ भूसा, ठीक है, भूसा से अलग करेंगे ग्रेन्स को, अनाज को, तो इसी प्रक्रिया का नाम दिया है, बोलो किसका? तो दैट इज कॉल्ड एज द बिनोमिंग। ऑल क्लियर? ऑब्वियसली यस। आगे बढ़ सकता हूं ना, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलेगा, नहीं है? वेरी गुड। तो आपने देखा कि हमने ये तीनों टॉपिक को क्या किया, कंप्लीट कर दिया। अब देखो, जो कुछ भी मैंने आपसे सिखाया है वो डिफिनेशंस के रूप में यहाँ पे लिखा है, किस लिए? इसलिए ताकि आपका नोट्स जो है वो तैयार हो जाए और आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकें। ठीक है जी, इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट, ठीक है, आप चाहो तो आप इसे लिख सकते हो। ठीक है जी, पहला है हार्वेस्टिंग, लिखा हूं द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। वही बात है मैंने लिखा कि वैसा कोई प्रक्रिया जिसमें मैच्योर फूड यानी कि जब जवान हो गया क्रॉप, बड़ा हो गया, कटनी लायक हो गया, तो उसको काट करके कलेक्ट कर लेंगे, तो उसी को हार्वेस्टिंग कहा, ठीक है, जिसको हिंदी में कटनी बोलते हो। नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से या फिर दादाजी दादी जी से पूछेगा, वो बता देंगे कि कटनी किसे कहते हैं। ऑल राइट, दूसरा है थ्रेसिंग, लिखा हूं द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। क्या लिखा? बीटिंग आउट द ग्रेन्स यानी कि जो आपने क्रॉप है उसमें से पीट पीट करके अनाज को, फूड ग्रेन्स को अलग कीजिए, ठीक है, तो दैट इज द थ्रेसिंग, ठीक है, उसको कूटते हैं, जिसको कूटनी का काम कहते हैं हिंदी मीनिंग में। तीसरा है बिनोमिंग, यानी कि इसको बिनोमिंग को तो ओसाना, हाँ ओसाना बोलते हैं, ओसाना कोई नाम नहीं है, बल्कि ओसाना का मतलब किसी भी चीज को लीजिए और इस तरीके से ऐसे ऐसे नहीं, देखो गांव देहात में महिला लोग ज्यादा करते रहती है बैठ करके, कोई काम वाम तो है नहीं, तो ऐसी उठा लेगी और ऐसे करते रहेगी, तो हवा आएगा और भारी होता है क्या, फूड ग्रेन्स,
राइस वगैरह वो नीचे बैठ जाए, भूसा जाए उड़ के दूर चला जाता है, देखे हो ना। हाँ, सही सोच रहे हो, वही होता है, दैट इज द बिनोमी, उसे ही बिनोमी का नाम देते हैं। ठीक है जी, बस इतना तक ही सोचना काफी था, अब आगे मन सोचो, आगे कल गलत ही सोचने वाला है, इसीलिए चुपचाप सुनेगा आगे की मेरी बातों को। तो कि कंप्लीट होता है ये बिनोमी, ठीक है, तो इज कॉल्ड बिनोमी, उसे ही बिनोमी कहते हैं, फ्रॉम द चाप, यानी कि भूसे से अलग कीजिए, ठीक है। तो दैट इज दैट हेल्प्स विथ एंड हे इज द हेल्प ऑफ, हे वही हुआ, भूसा ही है, ठीक है, तो दैट इज द बिनोमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर सकते हैं ना भाई, किसी को दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है। 61 का ए है, क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टू बेस इन विच फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड ऑन ए लार्ज स्केल। दो तरीका मुझे ऐसा बताओ जिसका इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा ग्रेन्स को जमा कर सकते हैं, दो तरीका बताओ। तो पहला तो है गानी बैग्स में, यानी कि जूट वाला बोरा में, और पहला है इन सिलोस, यानी कि बड़े बड़े गोडाउन होते हैं और उसमें मेटल्स का होता है, एक टैंकर की तरह, एक बक्से के आकार के जैसा, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखा, देखो फिगर ड्रा कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, और इसमें जो है पूरा ग्रेन्स को ना दिया जाता है, तो कुछ इस तरीके से देखता है। बिग सिलोस लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द टू बेस इन विच फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि बड़े पैमाने पर, ऑन ए ऑन लार्ज स्केल, कहने का अर्थ है कि बड़े पैमाने पर, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में फूड ग्रेन्स को क्या करना हो, जमा करना हो, तो हाउ इज इट पॉसिबल। तो हमने कहा दो तरीका है, वो बता दिया, अब चलो आगे लिखा जाए, है कि नहीं। इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट, तुम चाहो आप इसे लिख लीजिए, ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। चलो भाई आगे बढ़ गया आपकी इच्छा से। गानी बैक्स, ठीक है, और दूसरा है ग्रेन सिलोस, नाम है ये, ठीक है ना। और दोनों में क्या करते हैं, वो हम लोग फूड ग्रेन्स को जमा कर सकते हैं सालों साल तक लगे, ठीक है, ये गोडाउन की तरह, गोडाउन सी नहीं है ये कंटेनर की तरह है, जैसे जूट वाला बैग है, तो जूट वाला बैग कहीं गोडाउन कहलाएगा नहीं ना, लेकिन उसके अंदर में हम लोग रख देंगे किस किस चीज को, तो राइस वगैरह सब, चावल वगैरह को स्टोर करके, उसी तरीके से ये ग्रेन सिलोस भी होता है। फिगर दिखाया है मैंने जब टॉपिक को पढ़ाया है, तो ऐसा नहीं कि फिगर नहीं दिखाया था, आपको दिखाया हूं मैं। तो बताना ये चाहता हूँ कि जो ग्रेन सिलोस होते हैं वो मेटल्स की तरह ही होता है, जैसे बक्सा पेटी कैसे आप घर में रख ला, ट्रंक वगैरह जी, जिसको मैं मोटा मोटा बोरा 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 के जैसा अपना जर्सी वगैरह सब रख ले होगा अभी गर्मी के दिनों में, है ना। खैर ये नहीं हो, बी है, अब क्वेश्चन नंबर 61 के ये पार्ट बी है, ठीक है, तो आओ चलो अब इसे सीखने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन है डियर कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन्स इन गनी बैग्स, ठीक है जी। गनी बैग्स में, यानी कि जूट वाला बोरा में, ये फूड ग्रेन्स को रखने का क्या फायदा है, क्यों रखेंगे उसमें? तो है फायदा भैया, लिखा हूं कि फ्लोविंग आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन्स इन गनी बैग्स, यानी कि गनी बैग्स में रखने का कुछ निम्नलिखित एडवांटेजेस। पहला तो ये हो जाएगा जी कि जूट वाला बोरा कितना बड़ा रहेगा, बोरा बोरा नहीं इतना होता है ना, बक्कू जैसा थोड़ी है, रूम जैसा तो रहेगा, लेकिन जो ग्रेन सिलोस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, एकदम एक महला दो महला घर इतना तक नहीं होता है, ठीक है जी। तो उसको कैसे लेकर जाएंगे यार, एक एक घर के बराबर कैसे लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, जूट वाला बोरा इतना सा होता, कहीं भी उठाएंगे एकदम नहीं है तो मार पछड़ के आहू आहू करते हुए लेके चल जाएंगे कैसे करके, है ना। तो उसको ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाएगा, है कि नहीं, रखना भी इजी हो जाएगा, कोना में कहीं रख दिए आसानी से। तो वही चीज लिखा हूं मैंने कि पहला फायदा ये है, जूट वाला बोरा में अगर किसी भी चीज को आप स्टोर कर रहे हैं फूड ग्रेन्स को, तो क्या फायदा, तो पहला है इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, भैया आप इसको आसानी से कहीं भी रख सकते हो, है कि नहीं। वो भी लिखा हूँ, इजी टू स्टोर एंड हैंडल, इसका इस्तेमाल करना और रखना आसानी है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, छोटा सा चीज है तो बताया ना कि आहू आहू करते हुए लेकर चल जाएगा कहीं कहीं, सर ऐसे तो नहीं करके जाएंगे, झूठ मत बोलिए, मुझे पता है इसीलिए तो बोल रहा हूँ। देखो होता क्या है कि आप छोटा सा बैग है तो कहीं भी लेकर चले जाएंगे, बस में रख सकते हो, कार में रख सकते हो, साइकिल पर लेकर चल जाओ, किस लिए, क्योंकि छोटा था ना, और आप बांट सकते हो, डीलर वगैरह सब नहीं देखा, कभी कभी घरों में जाकर के चावल पहुंचा दिया,
करता है ना। तो उसी तरीके से ये दो फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है ये जूट वाले बोरे में रखने का। ठीक है डियर, आगे बढ़ जाए, कोई 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 दिक्कत है, नहीं होगा, चलो ठीक है। इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट, आप चाहो आप इसे लिख लो। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन बी है, क्वेश्चन 62, नेम टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, दो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन का नाम पूछा और दो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन का नाम पूछा, कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल मेथड। देखो प्रश्न का अर्थ क्या हुआ, अर्थ हुआ कि पहले जमाने में कैसे करते थे खेतों को सिंचाई, यानी कैसे खेत पटाते थे, दो तरीका बताओ, और आज के इस दिन में आधुनिक काल में, ठीक है, कैसे खेत पटाएंगे, खेतों में कैसे पानी डालेंगे, कैसे सिंचाई करेंगे, वो दो तरीका बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया, कुछ भी हो जाएगा, राहत ढेक लिखा हूँ, चेन पंप भी हो जाएगा, है ना, तो राहत और ढेकली, या फिर ढेकली और राहत, ठीक है, ये दो नाम हुआ, ठीक है, जिस इस दो तरीके हैं जिससे हम खेतों को पटा सकते हैं जो पुराने जमाने में इस्तेमाल होता है। लिखा कि फ्लॉविंग आर द टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, पहला ढेकली, दूसरा रेट, इसको कोई कोई ऐसे ही बोलता है रेट रेट, हमको पहली बार सुने तो हम भी शौक हो गए, राइट कहा बोल रहा है ये, रेट कहा बोल रहा है, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं स्टाइल मार्कर, रेट रेट, नहीं, रेट नहीं, इट्स रेट, हाँ भी आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे जैसे कि झाल मुड़ी बेच रहा है ट्रेन में, उसके जैसे आवाज निकलता नहीं भाई, आप लोग तो नरम मुलायम गला होगा तो सुरीला निकलेगा, है ना, तो इसीलिए आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट लिखा हूँ, और दो को मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन का नाम पूछा, तो कौन बड़ा कमारी चीज है कि नहीं, स्प्रिंकलर और ड्रिप पढ़ाए ही थे, वही लिखा हूँ कि फ्लॉविंग आर द टू मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, पहला स्प्रिंकलर, दूसरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। देखिए डियर, जब आप चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ जाते हो, ठीक है, तो आपके लिए देख रहे हो कितना प्रश्न आसान रहता है बनाना, क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही इजी बात है, कब इजी होगा, जब आप अच्छे से पढ़े होंगे तब। देखो मैंने जितना भी लेक्चर आपको पढ़ाया है उसको अगर बारी बारी से हर एक को अच्छे से वीडियोस को देखे, वो नोट्स बनाए हो, अगर याद यहाँ पे कुछ है दिमाग में, तो आप देख रहे हो कि बहुत अच्छे से बन रहा है कि नहीं, और अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब कि आपको याद नहीं है, तो क्या करो, ये क्वेश्चन पढ़ लिया यहाँ तक लिख कंप्लीट होता है, फिर देखो नोट्स को ओपन करो, देखो तो आंसर उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, मिलता है कि नहीं मिलता है, खोजने का प्रयास करो, मिल जाएगा मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 63 की मैं बातें करता हूँ। पूछ दिया जी कि भाटीज ए कंबाइन हार्वेस्टर विच इज यूज इन एग्रीकल्चर, स्टेट इट्स फंक्शन। ठीक है, यही प्रश्न पूछा आपसे कि कंबाइन, देखिए पहले आप चीजों को समझना सीखे, लिखाने के लिए ऐसा नहीं कि मैं ये नोट शेयर नहीं कर रहा हूँ, बाकी की तरह नहीं काम कर रहा हूँ, सबसे अलग कर रहा हूँ, इतने दिनों से मेरे से जुड़े हुए, आपको पता नहीं चल रहा कि कैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, तो फिर क्यों घबरा रहे हो, पहले समझना चाहिए चीजों को, है कि नहीं। देखो कंबाइन हार्वेस्टर क्या हुआ, इतना ज्यादा लिख देते हैं सर, थोड़ा सा कम लिखिए ना, ठीक है जी, कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में, कंबाइन हार्वेस्टर क्या हुआ, देखो कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो एक प्रकार के हार्वेस्टिंग करने का मशीन है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके खेतों में जो क्रॉप है उसको काटने का काम करता है, कौन, एक कंबाइन हार्वेस्टर, ठीक है, कंबाइन हार्वेस्टर इज यूज टू हार्वेस्ट द क्रॉप, ठीक है, इसको हार्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करने, इसका फंक्शन पूछा है, कंबाइन हार्वेस्टर का क्या फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ जी, ताकि जैसे कि आप क्या करते हो अभी अभी कि हसुआ लेकर जाओगे खेत में, यो धान पकड़े हुए मार के दम छपाट डालो, ठीक है, फिर उसको रखते हो, फिर कंधा पर डालते हो, फिर लेकर जाते हो, फिर उसको थ्रेसिंग कर, इस प्रकार से चीजें करते हो तब मिलता, लेकिन एक कंबाइन हार्वेस्टर आज का ये ऐसा चीज है कि क्रॉप को काट लेगा, और ठीक है, और वही मशीन में थ्रेसिंग हो जाएगा और ग्रेन भी कलेक्ट हो जाएगा, तो कितना बढ़िया बात है कि नहीं, हमको टाइम भी बचा, हर एक चीज बचा, और हमको चीज भी मिल गया बढ़िया, बोलो हाँ, चलो तो समझ गया ना कि कंबाइन हार्वेस्टर होता क्या है, कोई पूछा बता देगा ना, चलिए वेरी नाइस, इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट, आप चाहो ना चाहो, बट आपको मेरे ख्याल से आपको लिखना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ गया, देखो आंसर में वही चीज लिखा हूं, मैं लिखा हूं कि कंबाइन हार्वेस्टर इज ए टाइप ऑफ हार्वेस्टर विच इज यूज
टू हार्वेस्ट क्रॉप, एक प्रकार का भैया ही का है तो कुछ खास नहीं, एक प्रकार का हार्वेस्टर है जिसका इस्तेमाल कृषि में होता है, तो हार्वेस्ट क्रॉप यानी कि क्रॉप को काटने के लिए होता है। ठीक है, चीजें समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि इसका फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन मैंने एक्सप्लेन किया, वहीं से लिखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि वहीं करेक्ट आंसर है लिखा हुआ। किट्स फंक्शन इज दैट, यहाँ पे इट जो है वो दो बार लिखा गया है। आप क्या करेगा कि आप जो है वो इट को एक ही बार लिखेगा। ठीक है जी, चलो देखते हैं यहाँ से मिटाने का प्रयास करते। मिट गया ना, वाह वेरी गुड वेरी नाइस। ठीक है, कितना आसानी से मजा आया मिठाई मेरे को आया। ठीक है, तो दैट इट कट्स, ये क्या करेगा, इट कट्स यानी कि ये काटेगा, इसका फंक्शन क्या है, तो इट कट्स दी स्टैंडिंग सेरिल क्रॉप, क्रॉप जो है वो इस प्रकार से खड़ी रहता है उसको काट लेगा, लाइक व्हीट क्रॉप चाहे राइस क्रॉप कुछ भी रहा इन द फील्ड्स, कहाँ फील्ड में, एज वेल एज उसके साथ ही साथ थ्रेसर, उसी समय इसको काट करके फिर वही मशीन क्या करेगा कि थ्रेसिंग का भी काम कर लेगा, एंड सेपरेट्स द चाफ फ्रॉम ग्रेन इन वन ऑपरेशन, और एक ही ऑपरेशन में यानी कि एक ही बार में हर एक काम ही कर दिया। ठीक है जी, जैसे कि कोची हो रहा है यहाँ पे, जैसे एक बार कोची करते हो कि जैसे कि वॉशिंग मशीन का नाम सुने हो, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, कपड़ा धोते हो फिर निकालते हो फिर छत पर ले जाते हो, नहीं तो उसी में नहीं रहता है कपड़ा को सुखाने का भी ऑप्शन। ठीक है, तो वही मशीन कपड़ा भी धो रहा है, वही मशीन कपड़ा भी सुखा के दे रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा है कंबाइन हार्वेस्टर के केस में क्या हो रहा है जी, कि वो मशीन है डियर, और वो मशीन क्या कर रहा है कि वही मशीन आपको क्रॉप काट रहा है, और वही मशीन जो है वो थ्रेसिंग का भी काम कर रहा है यानी कि छिलको हटा रहा है और आपको चावल के समेट करके दे रहा है कि चावल भी निकाल दिए, तो कितना अच्छी बात है, ये एक ही ऑपरेशन यानी कि एक ही बार में। ठीक है, तो चीजें समझ गए, बार बार बोलेंगे आपको गुस्सा आ जाएगा, है कि नहीं, तो समझ गया ना। इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट फ्रॉम हेयर, बट मेरे समझाने के पहले बाद ही आप लिखो तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक, अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है, अगर होगा तो बोलेगा और नहीं तो बोलो नहीं, हाँ कोची हाँ ना करते रहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ गए हो, यहाँ बढ़ सकता हूँ। भारतीय एनिमल हस्बेंड्री, देखिए एनिमल हस्बेंड्री क्या हो, खटाल का नाम सुना, वही एनिमल हस्बेंड्री है, समझो कि है, समझो कि वही होता है एनिमल हस्बेंड्री। तो पता चला कोई पूछा तो सर, कोई पूछा एनिमल हस्बेंड्री, देखो जी जरा से ध्यान दो तो, कहाँ गया, सो गया क्लास में जी, इधर ध्यान दो, देखो तो ये है ना, यहाँ से बटन्स वगैरह सब क्लिक हो जाते हैं ना तो डर लगता है। देखो देखो रनिंग है, चलो भाई ठीक है, मैं इसको साइड कर देता हूँ जी, ठीक है ना, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए फालतू का। चलो ठीक है, ठीक है, आप क्या कीजिए, बैठ जाइए। ठीक है, अब देखो आपको से क्या, अब हमारा है ये है एनिमल हस्बेंड्री, तो सर कोई पूछा कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता था, हम उसको से कहें खटाल होता है, अरे बेवकूफ की तरह करते रहता है कभी, अरे मजाक करने के लिए मैं बहुत सारी चीजें बोलते रहता हूँ, तो कितना बात अपने लेते चलिए, वो आपसे बोलिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बोला कि ये होता है, बोलना कि द रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड द रेजिंग ऑफ एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। देखो मैं क्या बोला, नहीं समझ में आना, देखो जब पशुपालन का नाम सुने तो पशुपालन करेंगे और उसको अच्छे से हेल्थ का ख्याल रखेंगे, उसको अच्छे से भोजन वगैरह सब देंगे, हर एक चीज का ख्याल रखेंगे ध्यान रखेंगे, तो इसी प्रक्रिया के और इसी चीज को, प्रक्रिया नहीं बल्कि इसी चीज को एनिमल हस्बेंड्री का नाम देते हैं। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो तो लिखा हुआ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द रियरिंग एंड रेजिंग, ये रियरिंग और रेजिंग ये दो इंपॉर्टेंट है, रियरिंग और रेजिंग का मतलब है कि पशुपालन यानी कि पशु को आप बढ़िया से लालन पोषण भरण पोषण कीजिएगा, उसका ब्रीडिंग भी कीजिएगा, रिप्रोडक्शन भी करवाइएगा आप, ठीक है ना, तो दैट इज द कॉल्ड एज द एनिमल हस्बेंड्री ऑफ एनिमल्स, किसको, जानवरों को, ऑन ए लार्ज स्केल यानी कि एक दो का नहीं बल्कि बहुत सारा, 50, 100, 500, 1000 इस प्रकार से रखेंगे, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। दो चार को बैठ के, दो चार को गाय पाल लिया तो खटाल अपने आप को समझ रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, एक एग्जाम में टॉप कर गया तो अपने आप को टॉपर समझ रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है जी, ठीक है, तो समझ गया ना,
चलो इफ यू वॉन्ट सीक्वल राइट इट, आप यहाँ तक मैंने पढ़ाया है तो आप यहाँ तक आप वीडियोज को लेक्चर को पॉज कीजिए और आप लिख लिया करो बीच बीच में, नहीं तो फिर आगे बढ़ता चला जाऊंगा, आप सुनते हैं तो जी कर तुम जो कहती रहे कहानियों से सुनता रहूँ वाला काम हो जाएगा, फिर भूलते चला जाऊंगा। ठीक है आप आराम से रेस्ट कीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 64 तो हुए गया है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 65 की मैं बातें करता हूँ, 65 है जी, कि व्हाट आर द वेरियस प्रैक्टिसेस नेसेसरी फॉर रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस। ठीक है देखो एनिमल्स को प्रश्न किया है, पढ़ कर खुद से समझने का प्रयास करो तो पक्का पढ़ लिया समझ गया, नहीं समझा ना मुझको पता था कि नहीं समझ में आया, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है लेकिन फिर भी नहीं समझ में, कोई दिक्कत नहीं मैं हूँ किस लिए, मैं किस दिन काम आऊंगा। देखो जी मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, सिंपल सी तो बात है, क्या बात है, बात यह है कि पशु को पालन कर रहे हैं, ठीक है आप गाय पाल रहे हैं बफेलोज पाल रहे हैं, किस लिए पाल रहे हो, भोजन प्राप्त करने के लिए या फिर और भी उससे जैसे दूध वगैरह सब के लिए पाल रहा है कि नहीं, तो मिल्क वगैरह सब क्या है एक प्रकार के भोजन ही तो आपको दिया, या फिर और भी बहुत सारे चीजों के लिए आप पाल सकते हैं। ठीक है कोई लड़का हमको ऐसे करके देख रहा है, वो पूछना चाहता है कि ऐसे करके तो ज्यादातर खैर नहीं हो, ज्यादातर कौन देखते वो तो पता ही नहीं, तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि पूछेगा हमसे कि आप दूध के लिए गाय को नहीं पालेंगे तो किसी लिए पालेंगे, है ना, तो एक गोबर उससे नहीं प्राप्त होता है, तो गोबर भी तो मिल रहा है हमको, अब बैल है बैल दूध नहीं देता तो उसको नहीं पालता है लोग, पालता किस लिए, ताकि उसको पर हल से खेतों में जोत सके, खेत जोत सके है कि नहीं, तो इसलिए घोड़ा भी पालता है किस लिए, टमटम वगैरह सब चलाने के लिए, घुड़सवारी के लिए, तो बहुत सारे कुछ ही चीज के लिए भी आप पालिए, मुझे मतलब नहीं है। ठीक है जी मुझे मतलब किसे, मुझे मतलब इसलिए है कि आप उसको पाल रहे हो तो उसके लिए क्या क्या चीजों करना चाहिए आपको, ठीक है उसके लिए क्या क्या चीज करना चाहिए, ये मैं ये क्वेश्चन ये पूछा, तो वो चलो जानते हैं। मैंने लिखा है कि फॉलोइंग आर द वेरियस प्रैक्टिसेस नेसेसरी फॉर रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड, या तो आप भोजन के लिए जानवर को पाल रहे हो या फिर अदर पर्पस के लिए जैसे कि हल खेत जोतवाने के लिए गोबर के लिए, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना, पहला है प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स यानी कि भोजन वगैरह सबका अच्छे से इंतजाम कैसे है कि नहीं, आपने खा लिया सूत गया ऐसा नहीं होना चाहिए, गाय वगैरह सब बेचारी, कुछ कुछ लोग जानवरों को बेजुबान कहते हैं, बेजुबान हाँ ऐसे एक नाम देता है, मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत है, जो भी ऐसा नाम देता है आप दीजिएगा आपको उससे भी हो जाएगा नफरत। ठीक है खैर नफरत करके क्या ही मिला है, बट ऐसा बोलना नहीं चाहिए मैं इतना ही कहूंगा, ठीक है क्योंकि वो बोलता है अलग बात है कि आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है उसका भाषा आपको आप जानवर के भाषा नहीं समझ रहे हो तो आप बेजुबान बोल दिया, ठीक है तो जानवर भी तो आपका भाषा नहीं समझ रहा है तो आपको भी बेजुबान बोल देगा, ऐसी प्राणी है या कैसा ये अन्याय है तुम्हारा। ठीक है तो एनी हाउ इसका ख्याल रखना, तो प्रॉपर फीडिंग ठीक है, दूसरा है प्रॉपर शेल्टर ऑफ एनिमल यानी कि अच्छे तरीके से क्या कीजिए, आप क्लीनलीनेस पर ध्यान रखो, साफ सुथरा रखो जो रहती है हाइजीन जहाँ रहती है गाय, तो और हाइजीन का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, इतनी सारी चीजों को क्या करो ख्याल रखो। ठीक है ख्याल का मतलब होता है कि आप ध्यान दीजिए चीजों को याद रखिए, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एनिमल्स डिजीजेस, आप क्या कीजिए आप जानवरों को अगर किसी भी तरह का तकलीफ होता है तो उसको दूर करो, जैसे अगर कोई कहीं पे जख्म हो गया तो उसको ठीक कीजिए, अगर कोई कोई डिजीज आ गया बीमारी आ गया तो आप उसको क्या करो आप डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, वेटनरी डॉक्टर से मिलिए है कि नहीं, तो उसको ठीक करो वही मतलब हुआ। चौथा है प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, देखिए टाइम टू टाइम एनिमल को नस्ल को पैदा करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है तो आप उसका जैसे डर्टी द रिप्रोडक्शन यहाँ पे इस्तेमाल होता है तो आप आसानी से समझ जाते हैं, तो रिप्रोडक्शन भी एनिमल्स का होना ही चाहिए। ठीक है आई होप डियर कि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ रहे हो, ठीक है और किसी को कोई दिक्कत है तो भाई अभी बोलेगा कि दिक्कत है नहीं है, चलिए वेरी गुड, देखो एक बार टाइम देख लो जरा से है कि नहीं, ठीक है इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट, आप चाहो आप इसे लिखो, आपने चाहा आपने लिखा, ठीक है ठीक है, तो बहुत सारी बातें जो है वो मैंने किया है और भी आगे आगे का आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है नेक्स्ट बढ़ सकता हूँ जी कोई दिक्कत नहीं है, ओके लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, ठीक है नेक्स्ट आता है दैट इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यही हमारा क्या है, दिस इज आवर टॉपिक, ठीक है टॉपिक नहीं
बल्कि इस तरह के आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अब जो भी क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ वो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि उसका जो आंसर है वो 50 से 60 शब्दों में कहना है, यही होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और बाकी आपका मर्जी, जहां तक लंजार करना लंजार कर दे, है कि नहीं, ठीक है। तो 66 का एक क्वेश्चन नंबर, ये मैं आपसे पूछा गया कि व्हाट इज मीन्ट बाई खरीफ क्रॉप, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स, ठीक है जी। तो खरीफ क्रॉप्स जो है वो क्या होता है और इसका दो एग्जाम्पल्स बताओ। तो मैंने बताया था आपको खरीफ क्रॉप्स के बारे में, क्या बताया था, कोई लड़का बोल पाएगा, याद है किसी को? सब भूल गया ना, सब भूत कर दिया, होली के छुट्टी में सब भूला के आया है तुम्हारा। देखिए आपको याद नहीं हो रहा, तो मैं आपसे कहा था कि वैसा कोई क्रॉप है जो क्या हो, गर्मियों के दिनों में लगाया जाता हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप का नाम देते हैं, ठीक है। दो एग्जाम्पल पूछा है, दो एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पैडी और मेज वगैरह। दूसरा है व्हाट इज मीन्ट बाई रबी क्रॉप्स, ठीक है, गिव गिव एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप, यह भी है कि रबी क्रॉप क्या होता है और रबी क्रॉप का दो वो एग्जाम्पल्स बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया कि वैसा किसी प्रकार का क्रॉप जो ठंडी के मौसम में लगाया जाता है, इसको रबी क्रॉप्स का नाम देते हैं। वही चीजें समझ रहे हो ना, दो को एग्जाम्पल पूछा, गर्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, गेहूं, और गर्म का हिंदी में हुआ चना। गर्म बोल रहे हैं तो तुमको दिक्कत हो रहा है और चना बोल रहे हैं तो समझ रहा है, ये कैसा न्याय है तुम्हारा? तो खैर यानी हो, गेहूं और चना ये ठंडे के दिनों में लाया जाता है, तो ग्राम एंड भीट इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स, ठीक है। किसी को दिक्कत हो रहा है तो बोलेगा, नहीं हो रहा है बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ तक क्या करो, आप इसे लिख लो, ठीक है। चलो लिख लिया, मैं साइड हट गया हूँ, अब आगे बढ़ सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, और उस क्वेश्चन का नाम है, नाम नहीं है, आई मीन टू से 67 का है, एक प्रकार से ही है, दशा ही रहा नाम के जैसे, खैर यही नहीं। व्हाट इज मीन्ट बाई सोविंग, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ सोविंग। देखो क्वेश्चन पूछा कि सोविंग क्या होता है, क्या होता है सोविंग, मैं आपसे पूछता हूँ। सोविंग का हिंदी मीनिंग हुआ बोना, बोना, अरे बौना, ये छोटा वाला बौना नहीं जी, हमसे पूछो, हम तो बहुत ही ज्यादा हाइट पे हैं, ऊंचाई पे, आई मीन टू से दैट माउंट एवरेस्ट, इन यू, आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे। देखो मैं आपसे ये सिखाना चाहता हूँ कि यार आखिरकार बौना नहीं बोल रहा मैं, बोना बोल रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो बोना क्या हुआ, देखो आप सीड को खेतों में गाड़ देते हो तो इसी प्रक्रिया को सोविंग कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, और हिंदी में बोना कहते हैं, समझ रहे हैं। और पूछा है, पूछ दिया सोविंग क्या होता है, फिर पूछा कि इसका वेरियस मेथड्स ऑफ सोविंग, यानी कि बीज को बोने का क्या तरीका है। तो दो तरीका है, पहला है कि कुछ नहीं भैया, तो हाथ से इस प्रकार से, इस प्रकार से मतलब कि, लेकिन वो सब तो ठीक था, लेकिन सीटी का है हमारा भाई, इसी फॉर्म फॉर्म में हो जाता है, समझा कर। तो इस प्रकार से जो है वो छिड़क देते हैं, ठीक है, सीड को ऐसे छिड़क देते हैं खेतों में ले जा करके, ठीक है जी। और होता क्या है कि दूसरा मेथड है सीड ड्रिल, बाई सीड ड्रिल, ठीक है, सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, बीज को बोने के लिए, ठीक है। तो दो वो चीजें हैं, या फिर दो तरीके से आप बीज को बो सकते हैं, दो मेथड है ये, समझ गया। किसी को कोई दिक्कत है भाई तो बोलेगा, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, अब आपसे सिखाना क्या चाहता हूँ, आपसे ये बताना चाहता हूँ मैं, कि ये तो कंप्लीट हो गया ना, वही लिखा हूँ, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। वैसा कोई प्रक्रिया जिससे हम बीज को बोए, उस सीड को बोए खेतों में गाड़ दिया, और इसी प्रक्रिया का नाम दिया सोविंग का, ठीक है, वही लिखा हुआ यहाँ पे। फॉलोइंग आर द वेरियस मेथड्स ऑफ ऑफ या यहाँ पे ओ एफ हो गया, ओ एफ, ठीक है, मेथड्स ऑफ सोविंग, फॉलोइंग आर द वेरियस मेथड्स ऑफ सोविंग, इसको काट लीजिए और यहाँ पे लिखो सीड्स, ऐसे पीडीएफ तैयार हुआ, ठीक है, ठीक है जी। तो सोविंग सीड्स हुआ, ठीक है डियर, चीज समझ रही है, जल्दी जल्दी मैं टाइपिंग करता है ना, नहीं मैंने ही तैयारी किया इतनी सारी चीजों को, जल्दी जल्दी मैंने छूट गया मिस्टेक, ठीक है। तो सीड्स का पहला बताया भैया हाथ से, कुछ नहीं तो हाथ से, दूसरा सीड ड्रिल से, कोई लड़का सोच रहा है कि हाथ से तो समझ गया, लेकिन सीड ड्रिल क्या हुआ,
अगर नहीं समझा तो मैं आपसे बता दूं, सीड ड्रिल के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है और फिगर के साथ बताया, और मैंने ये भी बताया कि सीड ड्रिल से बीज को बोना चाहिए या फिर हाथ से बीज को बोना चाहिए। अगर हाथ से बोएंगे तो क्या नुकसान होगा, और अगर सीड ड्रिल से बोएंगे तो क्या फायदे हैं, तो ये बता दिया मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में, कहीं होगा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है ना ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 67 का बी पार्ट है ये। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन सोविंग द सीड्स। क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया मुझसे ये बताओ, ठीक है भैया, लेकिन कहा बोलते हैं, बार बार बोलते हैं स्टाइल्स, ठीक है स्वैग नहीं है, ठीक है जी, तो मैं उससे ये बता रहा हूँ। चलिए देखिए, जब आप बीज को बो रहे हैं तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना, किन किन बातों का ख्याल रखना है वो पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत, मैं उसे बता रहा हूँ। देखो, बीज को बोते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ध्यान ये रखना चाहिए, ठीक है, ख्याल रखा करो, वो ये है कि जब भी बीज को बो रहे हैं तो वो एकदम सटा सटा करके नहीं बोइए ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा हटा हटा के बोएगा। बीज को कैसे बोएगा, हटा हटा के बोएगा। हंसता क्या है बेवकूफों की तरह, ठीक तो बोल रहे हैं, थोड़ा सा गैपिंग कर करके बोएगा ना, सटल सटल कैसे करेगा काम, है कि नहीं, समझे कीजिए। तो देखो, तो समझ गए, अब कोई लड़का सोचेगा क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि अगर आप सटा सटा के बीज को बोएंगे तो क्या होएगा, जो प्लांट्स भी जन्मेगा वो भी सटल सटल होगा, और बढ़िया तरीके से उसको सनलाइट वगैरह सब नहीं मिलेगा, तो वो अच्छे तरीके से जर्मिनेट नहीं करेगा, आपको बढ़िया ज्यादा फसल नहीं हो पाएगा अच्छा। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा है कि सीड को थोड़ा सा भैया मिट्टी के गहराई में गाड़ करके रखो, ठीक है, मिट्टी के गहराई में कुछ, अब एक किला खत करके अंदर, इतना हाथ अंदर गाड़ देगा सीड को, उसको निकलता है, इतनी को पौधा हो, तुम एक बात हो तो हमको, इतनी को पौधा होता धान का, ठीक है, और तुम कुछ किया धान के बीज को इतना अंदर ना दिया है जमीन में, तो कैसे वो होगा जी, कैसे बाहर निकलेगा, नहीं होगा, सीड खराब हो जाएगा, खत्म कहानी, खलास, टाटा बाय बाय, एकदम आपने वक्त बदल दिया, स्वाद बदल दिया। इसीलिए थोड़ा सा, इतना सा नीचे या फिर इतना सा नीचे, थोड़ा सा मिट्टी के अंदर रहना चाहिए, बस हो गया, तो डेप्थ भी ध्यान रखा करो, ठीक है। और बहुत सारे मैंने आपको एडवांटेजेस, आई मीन टू से दैट, ये प्रिकॉशंस के बारे में बताया है बीज को बोते वक्त, तो आओ चलो जानते हैं कि क्या क्या बताया उससे पहले, ठीक है चलो आगे बढ़ जाए। देखो मैंने बता रहा था प्रिकॉशंस की सीड बोल से वक्त क्या ध्यान रखना, वही बात, शुड बी एट राइट डेप्थ, यानी कि डेप्थ का ख्याल रखो कि थोड़ा गहराई में तो है ना। दूसरा है जी कि सीड शुड बी सोन एट राइट एस, थोड़ा सा गैपिंग होना चाहिए, सटा सटा के मत बो, द सीड शुड नॉट बी सोन इन ड्राई सर। देखो, सीड को सूखी मिट्टी में मत बो, क्यों, क्योंकि आपको पता है ना क्या कि पानी की जरूरत पड़ती है प्लांट्स को, क्रॉप को, अब सूखल मिट्टी में गाड़ देगा कैसे होगा यार, पानी कैसे मिलेगा उसको, नहीं मिलेगा। अब प्लांट मोटा प्लांट तो है नहीं भैया बैल की तरह कि उसका रूट्स जो है वो जमीन के बहुत तरे है और वहां से पानी को खींच ले, अब वो नरम मुलायम बच्चा भी नहीं है वो, है कि नहीं, इतना सा चीज है, तो कैसे वो कर पाएगा, नहीं हो पाएगा सूखा मिट्टी में, तो ध्यान रखो। दूसरा है, शुड नॉट बी सोन इन ए हाईली बेड सॉइल। अब ऐसा भी मत करो कि पानी, एक बार पानी दिया ही नहीं या दूसरा बार पानी दिया तो बाढ़ ले आया, अरे भैया जहाँ पे पानी नहीं है वहां पे हम लोग रहेंगे, नहीं रहेंगे, कहा कि पीने के लिए सहारा चाहिए पानी का, वही ना पिएंगे, और कुछ पिया जाता है क्या, मिल्क पिया जाता, नहीं तुमने क्या सोचा, जरूर बताना। देखो मैं आपसे ये बता रहा था कि ठीक है पिएंगे, और जहाँ पानी नहीं रहेगा हम लोग रहना पसंद करेंगे, नहीं रहना पसंद करेंगे, है कि नहीं, उसी प्रकार से डियर, पानी जरूरत है लिविंग थिंग्स को, पानी नहीं है कैसे होगा, ज्यादा पानी आ जाएगा हमारे मोहल्ले में दह जाएंगे, हम ही दह जाएंगे, जियेंगे ही नहीं, तो वो भी दिक्कत है, तो पानी ज्यादा देगा सीड ही दह जाएगा, छाला जाएगा, मिट्टी से ऊपर हो जाएगा, खराब सीड हो जाएगा, लेकिन बढ़िया सीड आएगा, लेकिन फिर भी जैसे तैसे होता है, उथल पुथल हो जाएगा, समझा करो, तो इसलिए ज्यादा पानी भी नहीं देना है, समझ गया, चीजें समझ में आ रही है, बोलिए हाँ, आगे बढ़ जाना, हाँ आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट आर द गुड क्वालिटी सीड्स, यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ व्हीट सीड्स, हाउ विल यू सिलेक्ट गुड हेल्दी सीड्स फॉर सोइंग।
गुड क्वालिटी सीड्स क्या होता है इसका डिफिनेशन बताओ। और दूसरा ये पूछा गया इसी प्रश्न में कि आपको अगर वीट का सीड गेहूं का बीज दे दिया गया तो आप कैसे सेलेक्ट कीजिएगा कि कौन सा बीज जो है वो बहुत अच्छा है और कौन सा बीज जो है वो खराब है, बोलो। देखिए मैं आपसे बता रहा हूं कि गुड क्वालिटी सीड जो होता है वो क्लीन होता है, एकदम साफ सुथरा दिखाएगा, समझ गया, और वो डिजीज से फ्री रहता है वो, ठीक है, किसी प्रकार का कोई डिजीज नहीं, ठीक है, कोई इन्फेक्शन नहीं रहता उस बीच में, तो इसे ही बोलते हैं गुड क्वालिटी सीड। ये नंबर वन हुआ, नंबर वन प्रश्न का उत्तर, जो एक ही क्वेश्चन पूछेगा। नंबर टू प्रश्न का उत्तर कि आपको गेहूं का क्या दे दिया गया भैया, बीज दे दिया, आप कैसे चूज करोगे कौन सा इस ढेर में बढ़िया बीज है जिसको खेतों में बोना चाहिए और कौन सा जो है वो खराब होना खराब है जिसे हम लोग छाटैया करके निकाल दें, फेंक दें, फेंक दें, फेंक दें, ठीक है। मैं आपसे सिखा रहा हूँ, सबसे पहले क्या करें, एक बाल्टी लाओ, ठीक है, ये बाल्टी लाया खींच करके, ठीक है, आप बाल्टी में क्या करेंगे, बाल्टी भर के पानी लाएंगे, बाल्टी में क्या करेंगे, बाल्टी में पानी भर के लाएंगे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे कि बारी बारी से मुट्ठी से या फिर इस प्रकार से ना देंगे, ना देंगे पानी में, ना देंगे बीज को, ठीक है, ठीक है ना। जितना मेरा मन है कि जी इतना इतना बीज है मेरे पास, ठीक है, अब मुझे इतना बीज में से पता लगाना कि कितना जो है वो बढ़िया बीज है कितना खराब बीज है, तो इन सारे बीज को एक बाल्टी पानी में ना देंगे, ठीक है। अब देखेंगे 10 इस प्रकार से हिलकोड़ के, इसको हिंदी में बोलते हैं हिला करके अच्छे तरीके से, स्टीर इंग्लिश में बोलते हैं, स्टीर बेर यानी कि घोल करके, और हिंदी में हिला करके अच्छे से मिक्स करके पानी में, और छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। और फिर पता जो बीज पानी के तरह डूब गया वो बढ़िया बीज है, हेल्दी क्रॉप है, उसको खेत में बो सकते हो, ठीक है, और जो बीज पानी के ऊपर छहला रहा है, ठीक है, वो खराब हो गया है, उसको बोने लायक बो रहा नहीं, ठीक है, उसको फेंक डालो, फेंक डालो, हाँ फेंक डालो, कोई मुंह माया नहीं, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे क्या बताता हूँ जी, मैं आपसे ये बता रहा हूँ, कोई लड़का सोचा कि बढ़िया 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 सीड कहाँ डूब गया, तो मैंने बता दिया था ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ाया हुआ, तो कोई लड़का सोचा है कि खराब सीड कहाँ चला गया, तो वो खराब सीड का होता है ना कि पेस्ट के द्वारा अटैक किया जाता है तो अंदर से खोखला हो जाता है, यानी कि वो हल्का हो गया, तो हल्का हो गया तो कौन होगा, वो छहलाइए ना जाएगा, अब भारी जो हेल्दी सीड होता है ना वो भारी होता है तो वो पानी का तरह बैठ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, बैठ जाएगा, इसीलिए वो हेल्दी चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छे तरीके से आ गई, वेरी गुड। आप इसे क्या करो, लिख डालो, यहाँ तक लिखना चाहते हो लिख डालो, लिखने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ तो आप क्यों नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली आप लिख सकते हो ना। देखो तो जो कुछ भी मैंने आपसे एक्सप्लेन किया है वो चीज मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे देखने का प्रयास करो, गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन होता है, हेल्दी सीड्स और क्लीन भी होता, गुड क्वालिटी सीड कौन है क्या होता है, तो क्लीन होगा और हेल्दी रहेगा, यानी कि स्वास्थ्य वो सीड का स्वास्थ्य बना हुआ रहेगा, और फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन से फ्री रहेगा और डिजीज किसी भी तरह का कोई बीमारी नहीं उस सीड को। और फिर है कि वी कैन सेलेक्ट ए गुड हेल्दी सीड्स फॉर सोइंग बाय प्लॉइंग। देखो बीज को बोने के लिए बढ़िया सीड को सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ निम्नलिखित तरीके से। पहला है कि बी टेक ए बकेट फील्ड विथ वाटर, एक बाल्टी पानी लो, बी टेक सीड बीच लो, बी पुट सीड्स इन टू द वाटर एंड लिफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर 10 to 15 मिनट्स, और 10 और फिर उस सीड को पानी में डाल दें और 10-15 मिनट छोड़ दो, ठीक है, और दो सीड विच सिंक इन द वाटर, ठीक है, वैसा सीड जो डूब गया पानी में, सिंक का हिंदी में वह डूबना, और द गुड और हेल्दी सीड्स है लेकिन, और हेल्दी सीड्स है और कैन बी सोन, और उसको बो सकते हैं लेकिन जो फ्लोट कर रहा है तैर रहा है वो क्या होगा, खराब है, फेंको, कहा नहीं लिखे, कह गया वो बढ़िया तो दूसरे को कुछ खराब, डूबे वाला बढ़िया तो छलाई वाले कुछ खराब ही होगा, तो कभी को अपना भी दिमाग लगा लिया कीजिए, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट होता है, किसी को समस्या तो बोलेगा, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं, चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट है डियर, नेक्स्ट है जी, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 69 का ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग इन एग्रीकल्चर, गिव एग्जांपल्स ऑफ
टू क्रॉप्स विच आर यूजली ग्रोन बाय दिस प्रोसेस। देखो ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर में ट्रांसप्लांटिंग शब्द का इस्तेमाल किस चीज के लिए है, और ट्रांसप्लांटिंग क्या है खेती बाड़ी में, और ऐसा कोई दो क्रॉप का नाम बताओ जो जिसको लगाते हैं ट्रांसप्लांटिंग करके लगाते हैं। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब ये होता है जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उसी तरीके से ही कुछ है लेकिन उससे बहुत अलग है, ठीक है। तो अभी जो दिमाग में आ रहा है कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांट, इसको जरा से कचरा को साइड में रख, नहीं कचरा नहीं है लेकिन साइड में रखो जो, ठीक है जी। भगवान ना करे कि कभी जिंदगी में किसी का ऐसा दिन आया है कि नहीं, तो इसको साइड में रख दिया। अब मैं आपसे बता रहा हूँ डियर, वो ये है, उसे ध्यान से सुनेगा और समझेगा भी, ठीक है। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, देखो क्या होता है कि हमने बीज को लगा दिया, धान का नाम सुने हो तो पहले कुछ करते हैं खेत में, ऐसे धान को छिड़क देते हैं तो छोटा छोटा सीड बो दिया, सीड से छोटा छोटा क्रॉप होता है इतना इतना एक एक बीता का, ठीक है। तो उसको 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 जो है वो छोटा प्लांट हो गया, तो नर्सरी नर्सरी क्रॉप उसको बोलते हैं, यानी कि छोटा सा सीडलिंग्स वगैरह सब का नाम देते हैं हम लोग। तो उसको अब कबाड़ के उसको मोरी का नाम दिया, अब उसको कबाड़ करके दूसरा खेत में लगाएंगे रोपेंगे, तो इसी प्रक्रिया को ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं, ठीक है। और दो को क्रॉप बोला धड़ाक से आपको बता देना है कि नहीं, दो क्रॉप कुछ होता है पैडी क्रॉप धान वाला, पहले ही बता रहे हैं। दूसरा है टोमेटोज, यानी कि टमाटर को भी ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। पहले बीज को बो देंगे क्रॉप में, और जब वो जैसे ही उसको कवर करके धान से दूसरा खेत में लगा देंगे, है कि नहीं, ताकि एकदम चीजें जो है वो बढ़िया से हो जाए। चलो समझ गया होगा, अब आगे बढ़ सकता हूँ ना, बोलिए। हाँ, देखो जी नेक्स्ट है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 69 का ये बी पार्ट है, स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इन ग्रोविंग क्रॉप्स। देखो दो को फायदा बताओ, कोई लड़का सोचेगा कि पगला गया है कोई का, माने कि एक फील्ड में लगा दिया तो उसको कबाड़ के दूसरा फील्ड में लगाने का क्या मतलब, कोई फायदा तो बहुत बड़ा बड़ा फायदा है जी, लेकिन दो ही पूछा तो दो ही बता रहे हैं, है कि नहीं। पहला है देखो, आप बीज को नौली बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनो, फालतू चीज नहीं सोचेगा, सिर्फ मुझे ही सुनो और मेरे को ही देखो, ठीक है, किसी और को देखो मुझे पसंद नहीं। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जैसे कि आपने सीड को क्या किया है, सीड को तो सिलेक्ट कर लिया कि पानी में डूब गया बढ़िया, आप उसको बो देते, ठीक। हो सकता है कि कोनो सीड बच गया, खराब है लेकिन फिर भी वो डूब गया कोई कारण, बीच से चप गया, कुछ हो सकता है, अब वो हो गया खराब, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, तो आपको एक बार तो मौका मिला था खराब चीज को निकाल कर छटाइया करके, लेकिन हुआ नहीं, चोर नियन चुप करके चल गया। तो दूसरा बार क्रॉप हुआ, जो क्रॉप खराब नहीं था, नरम मुलायम नहीं था, इसी लुंज पुंज से उसको फेंक डालेंगे और बढ़िया को उखाड़ेंगे और उसको लगा देंगे दूसरा खेत में। तो यहाँ पे आपको दोबारा मौका मिला कि नहीं मिला, बोलिए हाँ मिला। तो ये है दूसरा फायदा, क्या है दूसरा फायदा, ये है कि आप क्या करो, उसको कबाड़ रहे हो तो दूसरा खेत में लगा रहे हो, तो उसको एकदम आपका मर्जी है, एकदम पूरा रूट्स को अंगूठा से दाब करके एकदम पूरा अंदर तक ले धसा सकते हो उसके रूट्स को, ताकि अच्छे से उसका जड़ जो है वो सॉइल में चला जाए और वो एकदम जब होए तो जमान बड़ा और बढ़िया तरीके से ग्रो करे, मैच्योर्स करे, ताकि हमको जो है वो ज्यादा से ज्यादा अनाज मिले, पैदा जो है वो ग्रेन्स वगैरह से मिले, ठीक है। चीजें समझ गया, किसी को दिक्कत है तो बोलेगा नहीं है, वेरी गुड वेरी नाइस। चलिए चलो समझ गया ना, अब देखो वही चीज के लिखा, फ्लोइंग आर द टू एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इन ग्रोविंग क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स को लगाने का दो फायदा, दो एडवांटेज है। पहला है, कि इट अलाउज द सीडलिंग्स टू बी प्लांटेड एट राइट स्पेसिंग, ठीक है। दूसरा है कि इट अलाउज टू सिलेक्ट हेल्दी एंड गुड क्रॉप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरा नहीं बताया गया, मैंने बोला कि गहराई में गाड़ सकते हो, नहीं लिखे, दो ही पूछा था, कोई भी लिख सकते हो। और दूसरा है कि पहले आपने मोरी रोपा पूरा सटल सटल था, लेकिन रोपना है अलग अलग थोड़ा सा दूर दूर पर, है कि नहीं, तो आप कबाड़ करके आपका मौका मिला कि थोड़ा सा दूर दूर पर लगा सकते हो, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, बीज को छीट दिया पास पास हो गया, और दूर कैसे करेगा, तो कबाड़ को उखाड़ना पड़ेगा ना, तो उखाड़ के दूसरा फील्ड में जाए, क्या दिक्कत है, अलग अलग लगा देगा सटल करके हटा हटा के, पहले डायलॉग मारा था ना जहाज के बोला था मजा भी आ रहा था, वैसे ही हटा हटा के लगा देगा, सटा सटा करना, सट जैसे सट मत दूर हटा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से चीजें करते रहते हैं, तो दोनों समझ गया, आई होप कि तुमने सीखने का प्रयास किया होगा, दोबारा मौका मिला हेल्दी क्रॉप को लगाने का, ठीक है।
नेक्स्ट आइडिया, व्हाट इज इरिगेशन? भैया इरिगेशन क्या होता है? भाई इज इरिगेशन नेसेसरी? इरिगेशन क्या होगा इसका डेफिनेशन बताओ, और इरिगेशन जरूरी क्यों है, यही प्रश्न है। कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, बता देंगे ढंग से। देखो, इरिगेशन का हिंदी में सिंचाई, खेत पटाना, जानते हैं। तो पानी को खेत में, फील्ड में डालेंगे, इसी प्रक्रिया को इरिगेशन बोलते हैं। कितना आसान, कोई पूछेगा बोल दे, बोल रहे हैं सर, बोल दो, कौन बोलेगा गलती, कोई नहीं बोलेगा गलती, ठीक है जी। देखो, जब तक लगे वो आपका दुश्मन ना हो, नहीं हो, यही करेक्ट चीज है, ठीक है। तो समझ जाना हिंदी में, कोई चीज लिखा, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। पेड़ पौधों को पानी देंगे, ठीक है, इसी को बोलते हैं खेत पटाना हिंदी में। इरिगेशन क्यों करना चाहिए, लिखा, इरिगेशन इज नेसेसरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इरिगेशन करना जरूरी है कुछ निम्नलिखित कारण से। पहला कारण, इरिगेशन, देखो इरिगेशन खेत जोतने से पहले फील्ड को पटा डालें तो जो सॉइल है वो नरम मुलायम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और खेत जोतना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। हाँ, ढाई से जोत देंगे खेत के, तो वही लिखा कि इरिगेशन बिफोर प्लॉग, यानी कि खेत जोतने से पहले खेत को पटा रहे हैं, मेक्स द सॉइल सॉफ्ट ड्यू टू भीच। यहाँ पे ड्यू टू भीच दो बार लिख दिया है ना, कोई दिक्कत ना है, ड्यू टू भीच, इसको काट लीजिए आप, एक ही बार लिखो, ड्यू टू भीच द प्लॉगिंग ऑफ फील्ड बिकम्स इजियर, खेत जोतना आसान हो जाए। दूसरा है कि इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू द सॉइल, सॉइल को नमी देता है, ठीक है। और दूसरा है इट मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, सॉइल को नमी दिया और उस नमी को मेंटेन भी तो करके रखता है ये पानी, तो दो एडवांटेज हो। अब कोई लड़का सोच रहा मॉइस्चर का, अरे गीलापा, उसी को नमी बोलते हैं, ठीक है। और इट हेल्प्स टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट, देखो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है तो मट्टी से खींचेगा, प्लांट जो है वो मट्टी से लेगा न्यूट्रिएंट्स को, हाँ बिल्कुल लेगा, लेकिन कुछ डायरेक्ट मटिया खाएगा नहीं ना, तो मट्टी में न्यूट्रिएंट्स है पानी में घुल जाएगा, और पानी प्लांट से ऑब्जर्व कर लेता है प्लांट का जड़, तो न्यूट्रिएंट्स चला जाए कि नहीं चला जाए, तो कैसे, तो पानी डाला तब ना, तो समझ गया ना। आई होप डियर कि आप समझ गया इतने सारे चीजों को, जो कुछ मैं आपसे सिखा रहा हूँ वो हर एक चीज आपने सीखी, एक बार टाइम देख लेगा, ठीक है। चलो टाइम देखो जी, चलो ध्यान दीजिए कितना देर हो गया, अरे बहुत सारे क्लासेस अटेंड करनी है ना मुझे, कितना हुआ, ठीक है। तो देखो आज के इस लेक्चर में यहीं तक लेके मैं रखता हूँ, आप इसे क्या करो, आप इसे लिख डालो, नोट कर लीजिए इतने सारे चीजों को, समझ गया, चलो नोट कर लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो नहीं, जैसे कि मैंने बोला था, प्राण जाहि पर वचन न जाहि, पूरा करके छोड़ते हैं। अरे वाह, इतना ही था जी, अभी तो छूट जाता है, इतना ही है, ये नहीं, 7 का ये अभी खत्म हो गया पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, चलो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे, तो हमने क्लिक कर दिया नेक्स्ट पेज, नहीं, नेम द वेरियस सोर्सेस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, इन इंडिया, भारत में पानी का मुख्य स्रोत बताओ, है कि नहीं, स्रोत बताए कि कहाँ कहाँ से पानी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रिवर, नदी से, कैनाल, नहर से, बेल, कुआं से, ट्यूबवेल से, डैम, डैम मतलब रिजर्वायर, बड़े बड़े होते हैं डैम जहाँ पानी को कलेक्ट करके रखा जाता है, जैसे खाने के किसे जमा करके रखा जाता है, पॉन्ड, तालाब, लेक, झील, और एक और हो जाएगा रेन, रेन हो जाएगा, ठीक है। और भी हो सकता है, हैंडपंप हो जाएगा, हैंडपंप भी लिख सकते हो, ठीक है जी, हैंडपंप भी हो जाएगा, ठीक है। अब लिखो इट इज, इतने सारा कुछ क्या है, ये पानी का स्रोत है, यानी कि यहाँ से पानी प्राप्त कर सकते हैं, मुझे साइड हटने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे से ऊपर लिखा हुआ है, अब यहाँ तक कंप्लीट करो, ठीक। तो लॉन्ग और आंसर क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया जी, आई होप कि आपने मेरे साथ मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है बोलिए, ठीक है, और आपको कैसा लगता है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत सारे मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप भी मेहनत किया करो मेरे साथ साथ, मैं लिखता हूँ अभी लिखो, मैं पढ़ाता हूँ आप पढ़ो, है कि नहीं, हम पढ़ाएंगे आपको, पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। तो सी यू सून, आपको फिर से देखूंगा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए बस ऐसे ही गुजारिश है कि मुस्कुराते रहिए, कोई टेंशन नहीं लेना। अब क्या ही मैं आपसे बोलूं, है कि नहीं, मैं आपसे क्या ही बोलूं, जो कुछ भी बताने लग चीजें थी तो वो तो मैंने आपसे बता ही दिया है। अब अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़ो, क्वेश्चंस को रिवाइज करो, क्वेश्चंस बनाने का प्रयास कीजिए खुद से, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं बनते हैं कोई दिक्कत नहीं है,
क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो फिर उसका नोट से आंसर खोजने का प्रयास करो, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहा तो फिर टीचर से कंसर्न कीजिए कि सर मिलता ही नहीं है, लेकिन मेरा नोट्स लेकर नहीं किसे मिलेगा, मिलेगा ऑब्वियसली मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर लव यू ऑल, प्यार मोहब्बत एक साथ, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।